पता नहीं विधाता ने क्या लिखा है मेरी जिंदगी में। मेरी वजह से बार बार मेरे बेटे को तकलीफ सहनी पड़ रही है। बचपन से ही मैं उसको माँ का प्यार नहीं दे पाई और जब से वो मिला है कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। उसकी हंसती खेलती जिंदगी मेरी ही वजह से तबाह हो गई। लक्ष्मी जैसी बहू ने मेरी गलती की वजह से घर क्या छोड़ा, दुनिया छोड़कर चली गई। अब पुरानी बातों को बार बार दोहराने से क्या फायदा है श्रद्धा? मैं कहां दोहराना चाहती हूँ, ये किस्मत ही मुझे बार बार मजबूर कर रही है। यहां दिल में अरमान लेकर आई थी कि शालू के ऑपरेशन के बाद उसको बहू बनाकर घर लेकर जाऊंगी, सम्राट की जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी। लेकिन यहां ये मेरी किस्मत का ही दोष है ना कि यहां आकर ये सुनने को मिला कि शालू किसी और से प्यार करती है। अब कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी मैं घर, सम्राट को क्या जवाब दूंगी? मेरी जिद की वजह से ही वो शालू को अपनाने के लिए तैयार हुआ था। अब कैसे कहूंगी कि वो शालू मान गई है पट्टी खोलने के लिए। डॉक्टर साहब उसकी पट्टी खोल रहे हैं। बढ़िया है, भगवान करे सब ठीक हो जाए। गुड्डू ये दीपक कौन है? शालू उसको प्यार करती है ये जानकर हम लोगों को खुशी हुई, इसलिए पूछ रहा हूं। विश्वंभर जी, ये समय तो उचित नहीं है इस बारे में बात करने का, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं। कुछ महीने पहले हमारे घर के बगल में ये दीपक लड़का रहने आया था, वो भी देख नहीं सकता, दोनों एक जैसे हैं, तो शालू का और उनका दोनों का मिलना जुलना होने लगा। लड़का अच्छा है, धीरे धीरे शालू उसको चाहने लगी, वो भी शालू को चाहने लगा। हमने उन दोनों का प्यार देखकर दोनों की शादी की सहमति दे दी। अब ये खुशी की बात है या गम की हम नहीं जानते, लेकिन शालू की खुशी में ही अब हमारी खुशी है। और फिर हम बड़ों का फर्ज भी तो है कि छोटों की खुशी को ही अपनी खुशी समझे, उनको अपना आशीर्वाद दें।
आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। जी। भाभी, भाभी मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत चोट पहुंची है घर वालों के व्यवहार से। बहुत बुरा भी लगा होगा, काफी तकलीफ हुई होगी, पर इस तरह चुपचाप उदास दुखी बैठने से समस्या खत्म तो नहीं होगी। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे घर वालों के लिए पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। रिश्ते, नाते, प्यार, इन सब का नंबर पैसे के बाद ही आता है। भाभी, मैं तुमको बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन आज बता देती हूँ। गोपाल ने तुमसे शादी प्यार की वजह से नहीं, पैसे की वजह से की है। तुम अपने पिता की इकलौती औलाद हो और तुम्हारे पिता बड़े बिल्डर हैं और करोड़पति भी हैं। ये सब जानकर ही गोपाल ने तुमसे प्यार किया और मेरे माँ बाप ने तुम दोनों की शादी। सही कह रही हूँ मैं? मुझे जब पता चला तो मैंने शादी रुकवाने की बहुत कोशिश की, पर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। शादी के बाद जब इन लोगों को सच्चाई का पता चला कि तुम अपने पिता की इकलौती औलाद नहीं हो और तुम्हारे पापा करोड़पति भी नहीं हैं, तभी से तुम्हारे प्रति सबका नजरिया ही बदल गया। उसके बाद सब लोगों ने कितना बुरा व्यवहार किया है तुम्हारे साथ, तुम तो देख ही रही हो ना। पर दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपना प्यार पाने के लिए ये शादी की थी। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी खुशी के लिए ये शादी करवाई थी, पर उनको क्या मालूम था। देखो भाभी, अब जो हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता ना, अब तो तुम्हें ही इन लोगों का मुंह बंद करने का कोई उपाय करना होगा। भाभी, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, तुम तो जानती ही हो कि ये घर मेरे ससुराल वालों का है और वो हमें इस घर से कभी भी निकाल सकते हैं। भाभी, तुम अपने पापा से बात करके देखो, उनकी सहायता से अगर हमारे घर वालों को एक नया घर मिल जाता है तो शायद तुम्हारे साथ अत्याचार करना बंद कर दे। दीदी, मैं अपने पापा को दहेज देने के लिए कहूँ? नहीं, दहेज नहीं, मदद। उन्हें अपनी बेटी की सिर्फ मदद करनी है। दीदी, पर वो मुझे घर कहाँ से दिलाएंगे? उनके पास तो पैसे भी नहीं है। नहीं दीदी, मैं अपने घर की परिस्थिति अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकती। भाभी, मैं तो सिर्फ इसीलिए कह रही थी कि जिस तरह मैं घुट घुट कर जी रही हूँ अपने पति के बिना, वैसी तकलीफ तुम ना उठाओ। तुम्हारे और गोपाल के बीच का रिश्ता और ना बिगड़े। शादी के बाद पति का साथ होना बहुत जरूरी होता है भाभी। अगर तुम्हारे पापा की मदद से तुम्हारे और गोपाल के बीच की कड़वाहट कम हो जाती है तो कितना अच्छा होगा भाभी, कम से कम ये रोज रोज की किटकिट तो खत्म होगी। मेरी बात को अन्यथा मत लेना भाभी, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हारे और गोपाल के बीच का तनाव खत्म हो जाए, बस तुम खुश रहो और कुछ नहीं। चलती हूँ भाभी, एक बार मेरी बात को सोचना जरूर।
भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि शालू बिटिया बढ़िया से देखने लग गई है। उसके जीवन में फिर से उजाला आ गया है। अब तो भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उसको कोई कष्ट ना हो, उसे सिर्फ खुशियां मिले। अच्छा गुड्डू, अब हम चलते हैं, ट्रेन का समय हो रहा है। और हां, यहां से डिस्चार्ज के बाद जब पटना आना तो एक बार शालू को घर पर लेकर जरूर आना। चलो। एक मिनट विश्वंभर जी, वो क्या है कि यहां से जाने के बाद हम लोग शालू और दीपक का विवाह कराने की सोच रहे हैं। अब इस विवाह में अगर आप लोगों का आशीर्वाद और सहमति मिल जाती तो हमारी बहन का घर बढ़िया से बस जाता। देखिए, हम आप लोगों की उलझन समझ रहे हैं। शालू अभी तक सम्राट की पत्नी है, लेकिन ये शादी तो शालू ने जबरदस्ती की थी ना, जिद में की थी। और वैसे भी शालू को छोड़कर इस शादी को कोई मानने को तैयार ही नहीं था, यहां तक कि सम्राट भी नहीं। और अब तो शालू भी उसको अपनी गलती मान रही है। देखिए, ऐसी शादी का क्या मायने है जिसके पक्ष में कोई राजी ही नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते थे कि सब कुछ भूलकर हमारी बहन को नया जीवन देने का आशीर्वाद देने आप उसके विवाह में जरूर आए। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? गुड्डू सुनिए, लेट हो रहा है, ट्रेन छूट जाएगी। गुड्डू बेटा, हम लोग पटना पहुंचकर बातचीत कर लेंगे। चलिए। मुझे तो लग रहा है कि माँ जी खुश नहीं है, इस बात से शायद उनको धक्का लगा है। अब जो भी हो, क्या कर सकते हैं आशु, शालू की खुशी में ही अब हमारी खुशी है।